Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. उत्तर प्रदेश में दलित वोटों पर एकाधिकार जताने वाली बहुजन समाज पार्टी की सियासी जमीन धीरे धीरे सिकुड़ रही है। दलितों के दम पर सियासी धाक जमाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती को आज उन्हें बांधे रखने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। यूपी में दलितों पर कमजोर होती पकड़ के बीच मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद पर नई जिम्मेदारियों में सफलता पाने में आकाश भर चुनौतियां दिखाई दे रही हैं। यूपी में साल 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद अगर देखा जाए तो बसपा की जमीनी पकड़ धीरे धीरे दरक रही है। लोकसभा चुनाव में बसपा अपने सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है। उसे मात्र 9.39% वोट मिले हैं। उसके पीछे मायावती द्वारा लिए गए फैसलों को माना जा रहा है। भाजपा जैसी पार्टियां जहां गठबंधन में दल बढ़ाने में जुटी थी, वहीं बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ने पर अड़ी रही। अंदर खाने की माने तो बसपा काडर भी यही चाहता था, लेकिन मायावती नहीं मानी और ये संदेश चला कि भाजपा के इशारे पर वो इंडिया गठबंधन से दूरी बना रही हैं। आकाश के सामने ये चुनौती होगी कि खोया विश्वास कैसे पाया जाए। कांशीराम ने पार्टी गठन के समय बसपा के साथ हर उस बिरादरी के नेताओं को जोड़ जिनकी अपनी बिरादरियों में पकड़ थी, लेकिन मायावती की पकड़ पार्टी पर जैसे जैसे मजबूत होती गई वैसे वैसे इनमें से अधिकतर नेता सपा या फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव में बसपा से सपा हुए 13% सांसद बने हैं। आकाश के सामने बड़ी चुनौती बसपा से छिटके नेताओं और बिरादरी के वोटों को साथ लाने की होगी। यूपी में विधानसभा चुनाव साल 2027 में होना है। बसपा सुप्रीमो मायावती उम्र के ढलान पर हैं। चुनावों को छोड़ दिया जाए तो वो फील्ड छोड़कर पार्टी कार्यालय में ही बैठक करती हैं। मायावती ने आकाश को उत्तराधिकारी घोषित करने के साथ ही जिलों में संगठन तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी है। देखना होगा कि आकाश इन कसौटी पर कितना खरा उतर पाते हैं। आकाश ने हाल ही में विदेश में पढ़ाई की है। देखना होगा कि वो जिलों में जाकर जमीन पर बैठ कर बात समझा पाने में कितना सफल हो पाते हैं। तो आकाश आनंद के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और चुनौतियों से कैसे वो पार पाते हैं ये देखने वाली बात होगी।